प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम, तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पियाज को पल पल करो प्रणाम। हके इलम जोश दे के करिसो हुक्मे हक, हके किया हक करत और हक अके करेंगे, ए रूह को तहकीक भई। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने इस खिलवत की वाणी में दर्शाया है कि यदि हमें खिलवत में प्रवेश करना है, खिलवत किसको कहते हैं, जहां आशिक और मासूक की लीला हो उनके अतिरिक्त कोई और ना हो। जाहिरी रूप में खिलवत मूल मिलावे को मान सकते हैं, 25 पक्षों को मान सकते हैं, पांची भूमिका को मान सकते हैं, किंतु बातिनी रूप में खिलवत दिल होता है, आशिक के दिल में मासूक होता है, मासूक के दिल में आशिक होता है, राज्य के दिल में सखियां हैं श्यामा जी हैं और श्यामा जी के दिल में सखियां हैं राज्य हैं, इसी प्रकार सखियों के दिल में राज्य और श्यामा जी, सभी एक दूसरे को चाहते हैं, सभी एक दूसरे को अपने से अनंत गुना चाहते हैं। जब हम इस खेल में आए हैं तो हमारे सामने समस्या यह है कि हमारी आत्मा जीव पर बैठकर इस माया के खेल को देख रही है, और जीव कहाँ से पैदा हुआ है, उपजे मोह अहंकार ते सो मोहे में समाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लो सो भी पैदा माया मोह अहंकार, ये सारी सृष्टि मोह सागर से पैदा हुई है। चाहे कोई कितना भी हिमालय में साधना कर ले, कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, फिर भी कहीं ना कहीं अहंकार की ग्रंथि रहती है, सृष्टि का चक्र ही चलता है अहंकार से। जैसे मैं पानी पीऊंगा तो पहले मुझे भान होगा कि मैं हूं, तभी तो पानी पीऊंगा, और मैं का होना ही अहंकार है। खिलवत में प्रवेश करने से पहले हमें ये अहंकार हटाना पड़ेगा, लेकिन ये अहंकार हटे कैसे, क्योंकि सृष्टि इसी से चल रही है। खिलवत के प्रारंभिक चार प्रकरणों में इसी मैं खुदी को हटाने का मार्ग बताया गया। यह हटेगा प्रेम से, यह हटेगा राज्य के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में। अभी चौपाई आपने सुनी जिसमें कहा गया कि हके किया हक करत है और हके ही करेंगे। राज्य ने अब तक जो कुछ हो रहा है सब कुछ राज्य कर ने किया है, राज्य ही कर रहे हैं और राज्य ही करेंगे। तो इस कथन का हम शब्दों का अर्थ ले तो हमें एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है। जैसे यदि हमको कहा जाए कि भाई अब चित्त नहीं करो तो क्या कहेंगे, अब तक तो जो कुछ होगा सब राज्य ने किया है, तो राज्य करवाएंगे तो कर लेंगे। अब सोचिए वाणी पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो हमको बहाना क्या मिल जाता है इस चौपाई से कि राज्य वाणी पढ़वाएंगे तो पढ़ लेंगे, उनका हुक्म होगा तो हम पढ़ भी लेंगे, चितवनी भी कर लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम जिस अवस्था में हैं रह लेंगे। क्योंकि सुंदर साथ अपनी बुद्धि से चौपाइयों में हेरा फेरी करने में बहुत प्रवीण है।
जैसे एक चौपाई क्या बन गई है, खाना पीना सोना ये मोमिन का काम, दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम। लेकिन ये नहीं सोचते कि वाणी में क्या लिखा है, खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अर्श रूहन, पल पल मासूक देखना यही आहार अर्श असकन। खाना पीना, खाना दीदार इनका, राज्य का दीदार है, ब्रह्म सृष्टियों का भोजन है, संसार का भोजन नहीं। खाना दीदार इनका, यासों जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन से मीटत प्यास। राज्य से प्रेम हो, राज्य का दीदार हो, ये ब्रह्म सृष्टियों का खाना पीना और सोना है। संसार की जीव सृष्टि क्या कर रही है, पट पहर खाई चिकना हेम जवेर सिंगार, अच्छे अच्छे भोजन करना, हीरे मोती के आभूषणों से सुसज्जित होना, सोने के आभूषणों से सुसज्जित होना। हक लज्जे तई मोमनो जिंदूरी करी मुर्दार, यदि ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का स्वाद मिल गया तो उस संसार को मुर्दार समझती है कि ये संसार है ही नहीं। संसार की जीव सृष्टि संसार के आकर्षण के पीछे भाग रही है, अधिक से अधिक धन संग्रह के पीछे में, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा के चक्र में, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं के पीछे सारा संसार भागा जा रहा है। आप सारे संसार में घूम आइए, आपको बड़े बड़े विश्वविद्यालय मिलेंगे, अरबों की संपत्ति लोगों के घरों में दिखाई पड़ेगी, ऊपर से देखने में लगेगा कि कितने सुखी लोग हैं, लेकिन अंदर में तीन तृष्णाएं जल रही होगी, लोकेषणा संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेषणा अधिकाधिक धन की इच्छा, और दारिण्यषणा संगी संबंधियों से मोह। आप भारत में देखिए, अमेरिका में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, अरब कंट्री में देखिए, सब जगह, क्योंकि सूर्य तो एक है, मोह सागर एक है। मानव जाति कहीं भी रहेगी, प्राणी कहीं रहेंगे, उनको इन तीन तृष्णाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। हम इन तृष्णाओं को छोड़े, अहंकार को छोड़े कि मैं कुछ नहीं हूं, तो वाणी में एक सीधी बात बताई गई है, हके किया हक करत हैं और हक ही करेंगे, यह हमारी आत्मा को प्रबोधित हो जाता है। तो यदि हमने इस चौपाई का बातिनी अर्थ नहीं समझा तो हम क्या सोच लेते हैं, हम आलस्य की नौका पर सवार हो जाते हैं कि चलो हमें पीछे छूट गया, हमें तो कुछ करना नहीं है। वाणी में ये बात दर्शाई गई है, ताथे हुक्म के सिर दोस्ते बैठ न सके मोमिन, हुक्म का बहाना बनाकर कभी भी ब्रह्म सृष्टि आलसी बनकर के नहीं बैठे रहेगी, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेगी। वाणी में कई प्रसंग ऐसे आते हैं जिसका हम बातिनी अर्थ नहीं समझने के कारण शब्दों का बाह्य अर्थ लेते हैं और भाव अलग हो जाता है। जैसे सनत में एक प्रसंग आता है कि हिंदुओं का न्याय कौन करता है, यमराज। हिंदू हाथ जमपुरी मुस्लिम खुदाया, कि हिंदुओं का न्याय यमराज के साथ होता है और मुसलमानों का न्याय कौन करता है, अल्लाह ताला। तो शब्दों में देखने से तो लगता है कि ऐसा है, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। यमपुरी पौराणिक मान्यता है, ये पुराणों में लिखा है। वेद में यमपुरी को, यम किसको कहते हैं, जो सबका शासन करने वाला एक परमात्मा अक्षर है, उसी को यम कहा गया है। और यमालय क्या है, यमपुरी क्या है, जब जीव शरीर से बाहर निकलता है तो वायु में भ्रमण करता है, इसी को यमपुरी कहते हैं। यमपुरी कोई अलग पुरी नहीं है। पुराणों में, गरुण पुराण में जरूर गलत ये बातें लिखी हैं कि वहाँ यमराज रहते हैं, पापियों को दंड देते हैं और अच्छे लोगों को स्वर्ग में भेज देते हैं, किंतु वेद की मान्यता यह नहीं है। वाणी में जो प्रसंग लिखा है वह उस समय की परिस्थितियों में लिखा है कि हिंदू अपने पुराणों का उदाहरण देकर कहते हैं कि यमराज के यहाँ न्याय होगा। वो यम शब्द का अर्थ नहीं जानते, क्योंकि आज से 400 वर्ष पहले भारत में हिंदुओं की हालत दयनीय थी, उनको वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था क्योंकि मुस्लिम राज्य था।
कहीं वेद की पाठशाला देखते थे तो जला देते थे। आपको मालूम है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इस तरह से जला दिया था कि उसका 9 मंजिला पुस्तकालय 6 महीनों तक जलता रहा था। आप सोचिए, यदि वो पुस्तकालय आज सुरक्षित होता तो मानव जाति को कितना ज्ञान मिलता। हिंदू लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे घरों में छिप छिप कर, जबकि मुसलमानों के बड़े बड़े मदरसे हुआ करते थे, वे कुरान की शिक्षा पाते थे। हिंदुओं को अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए स्वीकृति नहीं थी। जहाँ हिंदुओं का राज्य था वहाँ भी पूरी तरह से वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रचलन में नहीं था, छिप छिपा कर ही कुछ किया जाता। तो वह प्रसंग है। इसी तरह से जब हम यह चौपाई देखते हैं कि राज्य ही अब तक करते रहे हैं, राज्य ही कर रहे हैं और राज्य ही करेंगे, इसका आशय क्या है? तो हम सोचते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं। जैसे पर आत्म के अंतस्करण रुह जेती बीतत बात तेते इन अंग आत्म के करत अंग साक्षात, ये चौपाई है। तो प्रश्न है कि सुंदर साथ में कोई चोरी कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं क्या करूं, ये तो राज्य करवा रहे हैं। सब सुंदर साथ कहते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति किसी अपराधी को पैसा देकर किसी की हत्या करवा देता है। हत्या वो स्वयं नहीं करता, हत्या वो करवा देता है। न्यायाधीश दंड में क्या करेगा? पहला अपराधी कौन है? जिसने पैसा देकर हत्या करवाई, पहला अपराधी है। हत्या करने वाला दूसरा अपराधी माना जाता है। तो यदि राज्य ही सब कुछ करवा रहे हैं तो हमें दंड क्यों मिल रहा है? कार्य कौन कर रहा है? आत्मा जीव के ऊपर बैठकर इस खेल को देख रही है। राज्य सबके लिए बराबर है? राज्य ऐसा नहीं कर सकते। आपके मन में ये जरूर बात कभी ना कभी होती है कि राज्य ने महामती जी को तो राज्य बना दिया, अपना स्वरूप दे दिया, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लियो, तो वैसे ही सबके लिए न्याय क्यों नहीं किया? हमें भी वैसे बना सकते थे। जब परम धाम में वैदत है तो राज्य की दृष्टि केवल महामती पर ही क्यों गई, इंद्रावती पर ही क्यों गई? सबके मन में संशय होता है। जब हम सभी राज्य के अंग हैं तो ये तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ होता है सही होता है और उसमें कुछ न कुछ कारण होता है। ब्रज के पश्चात रास में सभी सखियां जाती हैं और रास लीला में जब राज्य श्री कृष्ण जी के तन से अपना जोश खींचते हैं, जब जोश लियो खींचकर जब ची चौंक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां ये चौंक के फिरी आता हूँ। श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप रासलीला कर रहा था वो अदृश्य हो जाता है। उस समय सबके मन में आया कि हम ब्रज की लीला का नाटक करें तो हमारे प्रीतम प्रकट हो जाएंगे। तो उसमें इंद्रावती जी ने कृष्ण का अभिनय किया। इंद्रावती जी कृष्ण का अभिनय करके कहती हैं कि राज्य मैं बांसुरी बजा रही हूँ, मेरी लाज रखना, आपको आना पड़ेगा। इसलिए चूंकि उस नाटक की लीला में इंद्रावती जी ने कृष्ण का अभिनय किया तो इस जागनी लीला में सभी ब्रह्मात्माओं की जागनी का नेतृत्व सौंपा गया माँ इंद्रावती जी को। बिना कार्य किए, बिना उच्च स्तर का त्याग किए जागनी ब्रह्मांड में किसी को कुछ नहीं होना है। जैसे हम सुंदर साथ के समाज में कई बड़े बड़े परमहंस हो गए, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी हो गए, मंगल दास जी हो गए, दयाराम बाबा हो गए, लालदास जी, भीम भाई, छत्रसाल जी हो गए। हमके मन में हम भी तो सोच सकते हैं कि राज्य क्या हमको छत्रसाल जी के पद चिन्हों पर आप नहीं चला सकते, क्या लालदास जी के पद चिन्हों पर हम नहीं चल सकते? सब चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम चल नहीं पाते? तो हम दोष किसको दे सकते हैं? जैसे स्वाभाविक है, दो सुंदर साथ हैं, एक को राज्य का दर्शन होता है, एक को नहीं आता होता है, दोनों गहरे मित्र हैं,
एक सुंदर साथ नादानी में कहता है कि मुझको तो आज राज्य ने दर्शन दिया, तो दूसरा सोचता है कि क्या मैं पापी हूँ जो मुझे नहीं दे रहे। कभी न कभी मन में भाव आ ही सकता है कि लगता है राज्य न्याय नहीं कर रहे, उसको दर्शन दे रहे हैं मुझे नहीं दर्शन दे रहे। तो जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, जो अनंत ब्रह्मांडों का न्याय करने वाला है, जो अक्षर ब्रह्म और सखियों का भी न्याय करने वाला है, उसके ऊपर भी हमारा मन कहीं ना कहीं उंगली उठाता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि राज्य के न्याय में कहीं भेद नहीं होता। आप देखिए, परात्म की दृष्टि से हम वहदत में हैं, आत्मा की दृष्टि से हम वहदत में नहीं है। हमारी आत्मा ने अलग अलग स्वभाव वाले जीवों को पकड़ा है। जैसे नवरंग बाई की आत्मा जिस जीव पर बैठी है मुकुंदा जी का जीव है, उसका स्वभाव अलग है। आस बाई की आत्मा ने लालदास जी के जिस तन को पकड़ा, उसका स्वभाव अलग है। लालदास जी, भीम भाई, मुकुंददास जी, छत्रसाल जी, बिहारी जी, औरंगजेब, मिहिराज, सबके जीवों का स्वभाव अलग अलग है। परमानंद जी, लालदास जी और मुकुंददास जी, तीनों का स्वभाव अलग अलग है। उसी तरह से औरंगजेब और मिहिराज के जीव का स्वभाव अलग अलग है, बिहारी जी का स्वभाव अलग है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से सभी आत्माओं का स्वभाव एक है। परात्म का स्वभाव एक है। जो गुण नवरंग बाई में है वही गुण आस बाई में भी है। ये मत समझिए कि नृत्य की लीला में केवल नवरंग बाई ही आगे है। परम धाम में सबके अंदर समानता है, सबकी शोभा एक, सबकी लीला एक, सबका गुण एक। वहाँ हाथी में और खरगोश में कुश्ती कराई जाए तो जानते हैं कौन जीतेगा? कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, क्योंकि सबकी सभी बराबर है। श्यामा जी की जैसी शोभा है वही शोभा सखियों की है, और सखियों की जैसी शोभा है वही सही शोभा खूब खुशहालियों की भी है। ऐसा मत सोचिए कि खूब खुशहालियों की शोभा में कोई अंतर हो जाएगा। यदि अंतर हो गया तो परम धाम नहीं। इस संसार में महारानी का श्रृंगार कुछ अलग होता है, सेविकाओं का श्रृंगार कुछ अलग होता है, लेकिन परम धाम में यदि कम या अधिक हो जाए तो परम धाम नहीं रहेगा। एक चींटी में और एक सिंह में दोनों के अंदर बराबर की शक्ति है, एक हाथी में और एक अभी मैंने कहा खरगोश में, दोनों में शक्ति बराबर होगी। इसलिए क्योंकि सबके रूप में कौन लीला कर रहा है? एक अक्षरातीत। अक्षरातीत की लीला परम धाम में वहदत के अंदर है, एक दिली में। आत्मा क्या है? परात्म का प्रतिबिंब है। हमारी परात राज्य का साक्षात तन है, और उस परात्म की नजर इस संसार में झूठे जीव पर आई है तो वह आत्मा कहला रही है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट को चुना। अरस्तन, अरस्तन क्या है? परात्म। परात्म के दिल में जो हमारी आत्मा का दिल है, हमारी आत्मा का दिल क्या है? परात्म के दिल का प्रतिबिंब है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस माया के संसार में जब हमारी आत्मा इस जीव पर बैठकर खेल को देख रही है, जब हम जीव की बुद्धि से सोचते हैं तो लगता है कि ये लालदास जी हैं और ये छत्रसाल जी हैं, ये बिहारी जी बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पापी कौन है? आप सोचिए, मिहिराज को आरोप लगाकर हफ्से में भिजवाने वाले कौन है? बिहारी जी। तो हम क्या सोचते हैं कि बिहारी जी महाराज ने बहुत बड़ा गुनाह किया? ये सच है, ये नाटक है। आप देखिए, जब अभी दशहरे का त्यौहार बीता, दशहरे के त्यौहार में आपने देखा होगा रावण ने सीता का अपहरण किया होगा, राम ने रावण को मारा होगा। जब रावण राम की अर्धांगिनी सीता का अपहरण करके ले जा रहा होगा तो आपको यदि गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों अपहरण करके ले जा रहा है, आप पर्दे के पीछे चले गए जहाँ रावण भी बैठा है, राम भी बैठे हैं, सीता भी बैठे हैं,
आप जाकर वहां झगड़ा करने लगे कि सीता का अपहरण करके क्यों ले जा रहे हो, तो क्या होगा? वो कहेंगे कि अरे भाई हम तो नाटक कर रहे हैं, राम बिलख रहे हैं कि सीता कहाँ है, और पर्दे के पीछे से राम और सीता तो बातें कर रहे हैं। और आप कहेंगे कि आप यदि जाकर कहने लगे कि सीता तो यहीं बैठी है, राम वहां क्यों बिलख रहे हो, तो राम क्या उत्तर देंगे? कहेंगे कि हमें नाटक करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम नाटक कर रहे हैं। वैसे ही इस जागनी लीला में नाटक की लीला चल रही है। हमारी आत्मा जिस तरह के जीवों पर बैठी है, वे जीव अपने अपने स्वभाव के अनुसार यहाँ कार्य कर रहे हैं। राज्य का न्याय सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं कि एक के दिल में बैठे हैं और के दिल में नहीं बैठे। इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। जो अधिकार श्यामा जी के पास है जागनी लीला में राज्य के दर्शन करने का, जो अधिकार इंद्रावती को है हफ्से में दर्शन करने का, वो अधिकार आपको भी प्राप्त है। लेकिन हमारी और आपकी आत्मा का जो जीव है वो इतना कठोर है, इतना माया के विकारों में फंसा हुआ है कि वाणी सुनकर भी कुछ प्रयास नहीं करना चाहता। आप देखिए देवचंद जी का जीव, जब उस तन की उम्र 11 वर्ष की होती है तभी मन में विचार हो जाता है, जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ से आया, कहाँ है मेरा बर्ताव। वाणी चर्चा नहीं सुनी है हम और आपको, तो न जाने कितनी बार वाणी चर्चा सुनने को मिलती है। अभी तक में प्रसंग आता है केशवदास जी का, जब रेवादास से थोड़ी सी बात सुनते हैं कि एक छत्री था 500 लोगों के साथ इधर गया है, उसने ये बातें बताई हैं, तो केशवदास क्या कहते हैं कि वह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उतनी जात हूँ मुझे आया ईमान। आप सोचिए उस युग में पैदल चलना होता था या बैलगाड़ी से चलना होता था, घोड़ा गाड़ी से चलना होता था। आजकल की तरह तो नहीं कि हम GPS लगा दें पता कर लें कि कहाँ है, कार से हम आसानी से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं, पैदल ही सिद्ध वहाँ सिद्धपुर से चल पड़ते हैं दिल्ली में, पता नहीं है लेकिन खोजना है। कैसे कैसे खोज करते हैं? प्रश्न यह है कि जो तड़प केशव दास जी के पास है, जो तड़प सदगुरु धनी देवचंद जी के पास है, जो तड़प मीराज के पास है, हमारे जीवों में वो क्यों नहीं? राज जी ने सबके लिए एक नियम लाया है, करने माफक कृपा, कृपा माफक करने। जैसा हम तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर आचरण करेंगे राज जी वैसा ही हमें फल देंगे। मेहर सब पर महबूब की पर पावे करने माफक। हम राज जी को दोष नहीं दे सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ना क्या करें, राजी ने इंद्रावती को तो महामती बना दिया, नाम श्रृंगार शोभा सारी मैं भेक तुम्हारे लियो। हम उलाने दे सकते हैं कि राजी ने आपने इंद्रावती को तो राजी बना दिया और हमें दर्शन के लिए भी तरसा रहे हो, हम आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये आपका न्याय नहीं है, जैसे आमतौर पर सुंदर साथ कहा करते हैं। लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि जो त्याग लालदास जी ने किया है, जो त्याग छत्रसाल जी ने किया है, जो त्याग मिहिराज जी ने किया है, क्या हम वैसा करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो हमें उसका फल कैसे मिल सकता है? इसलिए इस चौपाई में जो ये बात कही गई है कि राज जी ने अब तक सब कुछ किया है, राज जी कर रहे हैं और राज जी करेंगे, इसका आशय क्या है? हम अपना अहंग भाव सब कुछ छोड़ दें। होता क्या है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत अधिक ज्ञान आ गया तो हम क्या कहेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। राज जी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ज्ञान आया है कहाँ से आया है, राज जी की कृपा से आया है। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न दिन को मान। हमारे पास इतना ज्ञान आ जाए कि हम अकेले ही सारे संसार को तारतम दे दें। सारे संसार में इसमें जनसंख्या कितनी होगी, लगभग 7 अरब के पास,
सारे संसार के हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को अकेले तारतम्य देने की हम सामर्थ्य रखें, तो भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? राज्य कर रहे हैं। उसके लिए यह बात कही गई है कि हमारे पास, जैसे अभी इस प्रवचन कक्ष में सारे पंखे चल रहे हैं, या बिजली है तो चल रहे हैं, ट्रांसफार्मर में बिजली है तो ये चल रहे हैं। ट्रांसफार्मर सोचने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ तो क्या कर पाएगा। पावर हाउस से यदि ट्रांसफार्मर में बिजली नहीं आएगी तो इस कक्ष में भी बिजली नहीं आएगी और पंखे चलना बंद हो जाएंगे। हमारी आत्मा का दिल है जो राज्य का अर्श है। आपने कल भी कीर्तन में सुना था, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है इत आय करो आराम। हमारा दिल राज्य का धाम है। हमारे धाम में यदि हम परातम की नज़र से देखें तो क्या है? युगल स्वरूप हमारी आत्मा के धाम हृदय में है। परम धाम के 25 पक्ष हमारी आत्मा के धाम हृदय में है। लेकिन जब माया की दृष्टि से इन आंखों से देखते हैं तो हम सुंदर साथ को एक दूसरे में कितने अवगुण दिखाई देते हैं। हम अपने भी अवगुणों को देखें तो हम झूठ भी बोलते हैं, क्रोध भी आता है, लोभ मोह अहंकार भी सताता है। हम मृत्यु से भी डरते हैं क्योंकि हमारे जीव ने लाखों बार जन्म लिया है, लाखों बार तन छोड़ा है। दृष्टि का अंतर है। और यदि हम परात्म का अंग लेते हैं तो क्या होगा? हम अपने को क्या सोचेंगे कि हम परम धाम की आत्मा है। मैं बिन मैं मरे नहीं का से क्या है? हमें हक की मैं लेना है। मैं बिन मैं मरे नहीं है, हक की मैं आए बिना राज्य की मैं। राज्य की मैं का अर्थ क्या है? हम राज्य के अंग हैं, हम परम धाम की ब्रह्मात्मा हैं। और उस वह ब्रह्मात्मा आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित हुई है, उसका तन प्रतिबिंबित हुआ है, उसका दिल आत्मा के दिल के रूप में जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रहा है। संसार के ज्ञानी जनों के पास जाएंगे तो आपको क्या व्याख्या बताएंगे, आप कौन हैं? जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आप में से मैं किसी भी भाई से पूछूं, उसका मान लीजिए उसका नाम मोहन है, मैं पूछूं कि आप कौन हो तो क्या बताएगा? मैं मोहन हूं। मैं पूछूं कि पहले आप क्या मोहन थे तो क्या उत्तर देगा? नहीं, मोहन से पहले हो सकता है उसका नाम करीम भी हो, अब्दुल भी हो, डेविड भी हो, पशु पक्षी की योनि में भी उसका जीव रहा होगा। ऐसा नहीं कि जीव केवल मनुष्य की योनि में ही रहा है। उसका जीव न जाने कितने बार पशु पक्षियों की योनि में गया होगा, कीड़ों मकड़ों की योनि में गया होगा, मनुष्य की योनि में न जाने कितने बार पुरुष का जीव स्त्री बना होगा, स्त्री का जीव पुरुष बना होगा। ये शरीर की आकृति देखकर कोई कह रहा है कि मैं पुरुष हूँ, मेरा नाम मोहन है। कोई बहन कहेगी कि मेरी नाम सविता है। सच तो ये है कि शरीर की पहचान दी जा रही है। ज्ञानी जन क्या बताएंगे? न तुम शरीर हो, न तुम सविता हो, न तुम मोहन हो, न शरीर हो, न इंद्रियां हो, न अंतःकरण हो, तुम कौन हो? शुद्ध बुद्ध चेतन हो। वाणी का प्रकाश क्या कहता है कि जिसको हम शुद्ध बुद्ध चैतन्य कह रहे हैं वो भी तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। ये संसार है ही नहीं। और इसके परे हमें व्याख्या की जाएगी आगे की चौपाई में, यही प्रसंग आएगा। हम सुंदर साथ बहानेबाजी में बहुत निपुण है। वेदांतियों ने एक बात याद रख ली है। एक महात्मा थे, उनको जब कुछ खाने का शौक होता था, खीर खाने का शौक होता था, किसी सुंदर साथ के घर ठहरते थे तो कहते थे कि आज राज जी कह रहे हैं खीर खाने की इच्छा है। अब देखिए शब्दों को कैसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको अचार खाने का बहुत शौक था। मैंने कहा एक बार कि महात्मा जी आप इतने अचार क्यों खाते हैं? तो क्या कहते हैं? मैं थोड़े खा रहा हूँ, ये तो शरीर खा रहा है। एक ही व्यक्ति दो तरह से व्याख्या कर रहा है। इच्छा किसकी होती है? उनके मन में इच्छा पैदा होती है। मन की इच्छा को वो राज्य की इच्छा बता रहे हैं। और जब वो फंसते हैं आचार खाते हुए तो कह रहे कि मैं तो आत्मा हूँ, परम धाम की आत्मा,
आत्मा अचार नहीं खाती, कौन खाता है? मेरा शरीर खा रहा है, मुंह खा रहा है। तो ये बुद्धि की चातुर्यता है, सत्य कुछ और है। इच्छा किसके अंदर होती है? जीव के अंदर इच्छा होती है। कार्य कौन करता है? अंतःकरण कार्य करता है। आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ के विकार किसके अंदर आ रहे हैं? अंतःकरण के अंदर आ रहे हैं। अंतःकरण के माध्यम से जीव काम क्रोध मद लोभ अहंकार का अनुभव करता है। जीव अंतःकरण के ऊपर दृष्टा भाव से खेल को देख रहा है। जैसे मैं आपको ये दृष्टांत देता हूं, आप सोने की अंगूठी को कीचड़ में लपेट लीजिए और एक ज्वेलरी के पास जाइए कि सोने की कीचड़ इस अंगूठी का क्या भाव है, तो क्या कहेगा कि मैं इस मिट्टी के कीचड़ को क्यों खरीदूंगा। आप कितना भी कहिए कि इसके ऊपर केवल कीचड़ है, मैं जानता हूं कि ये सोने की है, वो कहेगा कि नहीं, जब तक सोने को देखूंगा नहीं मैं इसको सोने का मूल्य नहीं दे सकता। संसार की यही कहानी है। हमारा जीव तरह तरह के विकारों में फंसा हुआ है। हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठकर खेल को देख रही है। हमारी परात्म ही आत्मा के रूप में इस खेल को देख रही है। सुंदर साथ में एक बहुत बड़ा भ्रम हो गया है कि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो वाणी का ज्ञान परात्म तक पहुंच रहा है, परात्म तक पहुंच नहीं रहा है, पहुंचेगा कब? जब यह खेल खत्म हो जाएगा तब। जो जैसा होता है वैसा ही देखता है। जैसे आप राज्य का ध्यान करके उठे और उस समय आपके सामने कोई किसी की झूठी निंदा करने लगे, बुराई करने लगे या अपशब्द बोलने लगे, तो आप क्या सोचेंगे? क्या अरे भाई अभी मैं सुन नहीं सकता, ये सब बातें मत करो। तो आत्मा जो परात्म का प्रतिबिंब है उसको काम क्रोध मद लोभ अहंकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये किसका स्वभाव है? जीव के अंतःकरण का स्वभाव है, जीव का भी स्वभाव नहीं है। क्योंकि जीव अंतःकरण के माध्यम से ही कोई कार्य कर सकता है। सुख दुख का अनुभव किससे करेगा? मन से करेगा। पाप पुण्य का अनुभव किससे करेगा? मन से करेगा, अंतःकरण से करेगा। इसलिए जीव को पापी कहा जाता है। जीव जब शुभ कार्य करता है तो उसको धर्मात्मा कहा जाता है। लेकिन जो उसका निज स्वरूप है वो पाप और पुण्य की परिधि से परे है। संसार के जो भी मनीषी जन हुए हैं उन्होंने स्वप्न का ज्ञान लेकर भी बहुत ऊंची व्याख्या करने का प्रयास किया है। हम सुंदर साथ से ये भूल हो रही है कि जहाँ ये चौपाई कह रही है हक किया, हक करत हैं और हक ही करेंगे, तो हम बहाने लेकर के बैठ जाते हैं, सब कुछ राज्य कर लेंगे। अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, न चितवनी करने की जरूरत है, न वाणी पढ़ने की जरूरत है, न सेवा करने की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। आप सोचिए, विक्रम संवत 1638 में श्यामा जी के साथ सभी आत्माओं का इस नश्वर जगत में पदार्पण होता है। हमारी आत्मा ने न जाने कितने तनों को पकड़ा होगा, जिन्होंने त्याग किया, जिन आत्माओं ने उच्च स्तर के जीवों को प्राप्त किया, उन तक परम धाम के ज्ञान का प्रकाश पहुंचा और उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया। ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश तो औरंगजेब के पास भी पहुंचा था, लेकिन औरंगजेब लाभ नहीं उठा पाया। जिस सदगुरु धनिष्ठ देवचंद जी के तन से ज्ञान का प्रकाश फैलना शुरू हुआ, बिहारी जी महाराज उस तन के पुत्र होते हुए भी जिसके अंदर परम धाम की आत्मा थी, लेकिन वह जीव उस ज्ञान का पात्र नहीं बन पाया, उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाया, तो अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाया। इसलिए न्याय का सिंहासन सबके लिए बराबर होता है। अक्षरातीत के लिए इंद्रावती जी और रतनबाई दोनों बराबर है। शाकुंडल और शकुमार, छत्रसाल जी के अंदर जो आत्मा है या औरंगजेब के अंदर आत्मा है, दोनों बराबर है।
लालदास जी हों या मुकुंददास जी हों, दोनों बराबर हैं। लेकिन हमारी कुर्बानी का, हमारे त्याग का जो स्तर होगा, जो हमारे आचरण का स्तर होगा, मेहर सपर महबूब की पर पावे करनी माफक। इसलिए कहा है, विश्वास करीने दौड़सी दे तारतम का फल तलेसी दे। हमारे अंदर राज्य का दिया हुआ वाणी का प्रकाश जितना जाएगा, उस प्रकाश को लेकर जितनी हमारी आत्मा विश्वास करेगी, विश्वास के अनुसार राज्य के ऊपर समर्पित होगी, समर्पण के साथ लेकर जितना विरह में डूबेगी, विरह के द्वारा जितना अपने जीव के हृदय को निर्मल करेगी, उसके बाद प्रेम का जितना रिस्पॉन्ड करेगी, राज्य की मेहर उतना ही सबके लिए बराबर है। इसलिए खटुती में इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि सारथी जी, मैं आपको एक वशीकरण मंत्र बताती हूँ, और उस मंत्र के माध्यम से हर सुंदर साथ राज्य को वश में कर सकता है। लेकिन मैं जानती हूँ आप में से कोई भी राज्य को वश नहीं कर सकता। महामती जी ने क्या कहा है कि जैसे मैंने वश में किया है वैसा कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रावती जी को विश्वास है कि हमसे में कौन तड़पेगा। आज हम सुंदर चांद सब जानते हैं, तारतम वाणी का अवतरण हुए इतने वर्ष हो गए, 1715 से वाणी का अवतरण होते होते आज 2078 का समय आ गया। हम सुंदर चांद प्रतिदिन 2 घंटे क्या, तो क्या 1 घंटे भी चितवनी के लिए तैयार नहीं हुए? और सोचिए, हफ्से में मिहराज का तन है, इंद्रावती की आत्मा है, वो मिहराज का तन अपने प्राणेश्वर को पुकारता है, जब आ भी सुखी अंग में सांस भी छोड़े संग, तब तुम पर्दा टाल के दिए मोहे अपने। हर आत्मा की अलग अलग शोभा है। आत्मा जीव पर, जिस जीव पर बैठकर उस खेल को देख रही है, वह जीव जितना त्याग कर रहा है, जितना वाणी को आत्मसात कर रहा है, उसके अनुसार राज्य की कृपा उस पर बरस रही है। इसलिए समर्पण की जब बात आती है तो हम क्या कहेंगे, राज्य कहत कलावत तुम्हें करत करावत तुम, करने वाले आप हो कराने वाले आप हो। यदि हम अपने ऊपर लेकर बैठ गए कि हमारे पास ये है, मैंने ये किया है, तो ये हमारे लिए अहंकार मूलक है। इसलिए आपका जी सब कुछ राज्य को सौंप दे, तन मन जीव निछावर किन्नो श्री महामत चरणोला। हमारा तन किसका है? राज्य का। हमारा मन किसका है? राज्य का। हमारा जीव किसके लिए समर्पित हो? राज्य के लिए। हमारे जीव के अंदर यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने ये किया। एक बार मैं एक पौराणिक दृष्टांत दे रहा हूं। गरुड़ को यह आभास हुआ कि विष्णु भगवान को तो मैं लेकर के उड़ता हूं, यदि मैं नहीं रहूंगा तो विष्णु भगवान कैसे आएंगे जाएंगे। विष्णु भगवान गरुड़ के इस भाव को ताड़ गए। उन्होंने एक बायां हाथ गरुड़ के शरीर पर रख दिया। गरुड़ जी को ऐसा लगा कि सारे ब्रह्मांड का बोझ मेरे पंखों पर आ गया है, और वो चीखने लगे, फिर क्षमा मांगे कि भगवान मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। हनुमान जी जैसे वीर तो और भी थे, अंगद कम बलवान नहीं थे, जामवंत कम बलवान नहीं थे, लेकिन हनुमान जी में जो श्रद्धा भावना है, समर्पण भावना है, वही लंका पार कराती है। आप सोचिए, संसार के इन महापुरुषों से हमें शिक्षा मिलती है कि ये राज्य की कृपा है कि किसी भी आत्मा को लालदास जी जैसी शोभा दे रहे हैं। यदि लालदास जी को मूल स्वरूप अपनी कृपा की छत्र छाया में नहीं लेते तो जीवन भर व्यापार ही करते रह जाते और सेठ लक्ष्मण दास ही कहलाते। राज्य की कृपा की नजर आती है और सेठ लक्ष्मण दास एक रात में कंगाल बन जाते हैं। श्री जी के चरणों का सहारा लेकर लालदास संग चले, खाली लेकर हाथ। जब तन पर कुछ नहीं रहा, एक लोटा केवल साथ में है, एक रुपया भी उनके पास नहीं, तो जो धन का अहम था सब समाप्त हो जाता है और सेठ लक्ष्मण दास अब लालदास कहलाने लगते हैं। उनके धाम हृदय में विराजमान होकर श्री जी ने बीतक साहब लिखवाई और
उस जो रचनाकारी हुआ उसके साथ में महामती की छाप लग जाती है। किसी की भी रचना में महामती की छाप नहीं लगती। लालदास जी ने जो लिखा है, चाहे बहत्तर माजे लिखी हो, चाहे बीतक लिखी हो, चाहे चर्च ये परमधाम की वृत्त लिखी हो, सब में महामती की छाप लिखी है। और ऐसा लगता है कि लालदास जी नहीं बोल रहे हैं, स्वयं श्री जी बोल रहे हैं। यह शोभा किसने दी? मूल स्वरूप ने दी। एक अरबोपति से कंगाल बना दिया संसार की दृष्टि में, तभी क्या कहा, जो साहेब संकुल हुई तो दुख होवे तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख ने लिया के। यदि हमारा समर्पण राज्य पर है तो हमें धैर्य रखना चाहिए कि आज जो हमारे साथ हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कल जो होगा वो भी ठीक हो रहा है, और जो पहले भी हो चुका है वो भी सब ठीक हो गया। लेकिन हमें तो राज्य पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये खिलवत की चौपाई कह रही है, हके किया हके करत है और हके ही करेंगे। राज्य ने अब तक जो कुछ किया है सब कुछ ठीक किया है। हमें राज्य की लीला पर कभी प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हमने दुख भोगा है, हमको दुख हुआ है, तो भी हम गिले शिकवे न करें। जो साहेब हो हुए साहेब संकुल हुए तो दुख हुए तिन, इस दुनिया में चाह कर दुख ने लिया कि। पूरा प्रकरण इसी विषय पर है कीर्तन में, दुखरे प्यारू मेरे प्राण को सो में छोड़ियो क्यों कर जाए। लेकिन हम सुंदर साथ को क्या विश्वास है? थोड़ा सा कष्ट आता है, हमें कोई रोग हो जाता है, धन की कमी हो जाती है, तो मेहर सागर का जल्दी जल्दी पाठ करने लगते हैं कि राजी इस दुख से हटाइए, दुख से हटाइए। हमें राजी पर पूरी आस्था नहीं है, और यदि इच्छा हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उलाहने देने लगते हैं कि राजी इतने दिन मेहर सागर का पाठ करते हुए हो गए, आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, हमारी माया में ये कमियाँ रह गई। हमारी आस्था डगमगाने लगती है, सोचते हैं कि राजी नहीं कर रहे हैं, कोई देवी देवता भी करते तो उससे भी ये काम करवा लेते हैं। ये कौन कर रहा है? हमारा मन अभी ईमान पर खड़ा नहीं है। जिस दिन हमारा समर्पण परिपक्व हो जाएगा, हमारी आस्था परिपक्व हो जाएगी, हमारे अंदर राज्य के लिए सच्चा विरह हो जाएगा कि यदि दुख भी मिला है तो हमें राज्य के चरण कमल नहीं छोड़ना है। मैं चर्चा में प्राय, जो भी इस सृष्टि में महापुरुष हुए हैं, देवता या देवी, मैं इनका दृष्टांत देता हूं, जैसे कल भी मैंने चर्चा में सीता का दृष्टांत दिया था। आप सोचिए, सीता राम के साथ रहकर ही खुश है। आज की कोई धर्मपत्नी होती तो पति से प्रतिदिन कोई ना कोई झगड़ा लगाती कि आपको 14 वर्ष वन में रहने की क्या हो सकता थी। जैसे महाभारत के प्रसंग में द्रौपदी कभी कभी कह देती है कि आप जुआ नहीं खेलते तो आज हमें वन में तुम नहीं भटकना पड़ता। लेकिन वह सीता है, राम ने जिस हालत में रखा है उस हालत में वही खुश है कि जहाँ मेरे राम है वही मेरे लिए अयोध्या है। आपको तारतम्य लेने के बाद माया में कुछ कष्ट मिलता है तो मुस्कुराते रहिए कि इसमें भी राज्य की कोई लीला का रहस्य छिपा है। आपको यदि दुख मिलता है तो भी मुस्कुराइए और हर पल राज्य को धन्यवाद दीजिए। श्री महामद कहे, मोमिनो तुम पर दमदम जो वर्तत सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। पल पल मेहर करत, राज्य हर पल मेहर कर रहे हैं। आपको मेहर का गोटा लेकर मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपना हृदय दे दीजिए, आप राज्य के अटूट विश्वास पर रहिए। आपको सुख मिले या दुख मिले, हर अवस्था में समान भाव से राज्य से प्रेम कीजिए। ये नहीं, संसार के जीवों की तरह जब दुख होता है तो हम क्या करते हैं, मेहर सागर का पाठ कर लेते हैं, वाणी का पाठ रख देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप कीजिए, लेकिन सच्चा प्रेम क्या कहलाएगा? दुख हो या सुख हो, सभी अवस्थाओं में समान रूप से राज्य से प्रेम कीजिए। कबीर जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। सामान्य व्यक्ति क्या करता है, जब दुख होता है तो परमात्मा की याद आती है। देखिए ना, जब कोरोना में चारों तरफ हाहाकार मचा था तो सबको राज्य की याद आ गई थी। अब कोरोना गया तो अधिकतर के मन में यही रहेगा कि काम बहुत है, अभी राज्य के लिए समय नहीं है, ये काम है बाद में कर लेंगे।
न अब चितवनी के लिए समय है, न वाणी पढ़ने के लिए समय है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मन में राज्य के लिए सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम यदि हो जाए तो जैसे देवचंद जी को जब कथा चर्चा नहीं मिलती है तो उस दिन वो भोजन नहीं करते। इसलिए चाहे हम अरबोपति हों या खरबोपति, कितना भी चाहे भारत का हमें राष्ट्रपति बना दिया जाए, प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन राज्य के प्रेम में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा सर्व समर्पण क्या, सुख हो या दुख हो, हम दृष्टा भाव से देखें। हम सुख और दुख दोनों से परे हैं। सुख किसको होता है? अंतःकरण को होता है। दुख किसको होता है? अंतःकरण को होता है। जो चैतन्य जीव है सुख और दुख का अनुभव केवल करता है, वो सुखी दुखी नहीं होता है। हम कहते हैं कि आत्मा सुख और दुख का खेल देखने के लिए आई है, तो जीव भी अंतःकरण के माध्यम से सुख और दुख का खेल देख रहा है। और एक बात और कहता हूँ, अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। जैसे मेरी उंगली को कोई चाकू से काटेगा तो त्वचा त्वक इंद्रिय है, त्वचा इसका राजा कौन है? मन। मन को तो हम काट नहीं सकते, मन को गोली नहीं मार सकते, तो मन इंद्रिय के माध्यम से दुख का अनुभव कर रहा है। हमें फूलों की सज्जा पर बैठा दिया गया तो त्वचा के माध्यम से त्वक इंद्रिय के माध्यम से हमारा मन सुख का अनुभव कर रहा है। अभी बिजली बंद हो जाए तो सब सुंदर साथ परेशान हो जाएंगे कि गर्मी में हम क्या करें, तो ये दुख किसको हो रहा है? हमारे मन को अनुभव हो रहा है। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध भी तो थे, राजकुमार थे, पहले महल में रहने वाले थे, लेकिन जब संन्यास लेते हैं तो उनका सारा जीवन वृक्षों के नीचे बीतता है। उस समय तो पंखे बिजली के नहीं हुआ करते थे। जब वो किसी झोपड़ी में बैठे रहते होंगे, वृक्षों के नीचे ध्यान में बैठे रहते होंगे, मच्छर उनको भी काटते होंगे। लेकिन कभी बुद्ध ने गिले शिकवे तो नहीं किया कि मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका जीव, उनका अंतःकरण इस सुख दुख की परिधि को लांग चुका है। वैसे ही जब जीव अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होता है तो वह सुख और दुख की परिधि से परे हो जाता है। वैसे ही जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है, आत्मा परात्म को जब देखती है, आत्मा अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखती है, तो वह शरीर से भी परे होती है, अंतःकरण से परे होती है, जीव से परे होती है। अपने स्वरूप में स्थित होकर आत्म दृष्ट जुड़ी परात्म तब भयो आत्म निवेद। आत्मा अपने परात्म को देखे, परात्म के भाव में भावित रहे, तो हमें क्या करना होगा? उठते बैठते सुपन सुवत जागृत दम न छोड़े मासुक को जाकी असल हक निस्बत। हमें इस भावलीनता का भाव लेना होगा कि मैं कौन हूँ? परम धाम की आत्मा। मैं सुख और दुख से परे हूँ। मैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकारों से परे हूँ। इस संसार के दुख मुझे दुखी नहीं कर सकते और सुख मुझे बंधन में नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं आनंद स्वरूपा हूँ, आनंद स्वरूप श्यामा जी की अंग रूपा हूँ, राज्य का हृदय हूँ। राज्य मेरे हृदय के स्वामी हैं और राज्य के हृदय की स्वामिनी मैं हूँ। जब ऊंचे भाव में हम विचरण करेंगे तो ये संसार हमारे लिए रहते हुए भी नहीं रहेगा। उस अवस्था में हमारी आत्मा यही पुकार करेगी, हके किया हक करत है और हक ही करेंगे। नहीं तो उस अवस्था की प्राप्ति न होने पर क्या होता है? हम सुंदर साथ से राज्य कोई सेवा ले लेते हैं, धन की सेवा ले लेते हैं, ज्ञान की सेवा लेते हैं, समाज का हम कोई कार्य करते हैं, तो आप जानते हैं हम सबको बताते फिरते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेवा मैंने की है। आपने नहीं की है, आपसे करवाई गई है। छत्रसाल जी ने क्या किया था? छत्रसाल जी की चाहत क्या है? छत्रसाल जी के पिया जी सुंदरवर अनते जान न देहूं, राखो में रसिक रमाय आपिद सब भात सुख ले। कितनी प्रगाढ़ भावना है छत्रसाल जी के अंदर बैठी हुई शाकुंडल की आत्मा की, कि छत्रसाल जी के पिया जी सुंदरवर अनते जान न देहूं, मैं आपको यहां से जाने नहीं दूं।
छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावरा, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बल जा। इसीलिए तो उनको अमीरुल मोमिनीन कहा, ब्रह्मात्माओं में सर्वोपर। समर्पण के क्षेत्र में छत्रसाल जी की आत्मा को पहली शोभा मिलती है, जो हमें दर्शाती है कि हमें सब कुछ राज्य को समर्पित करके करना होगा। ये खिलवत की वाणी हमें अहंकार से परे करती है। इसलिए खिलवत में कहा है कि कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, आप ही कहने वाले हो, कहलाने वाले आप हो। मैं तो केवल आपकी हूँ, मेरा इस संसार में कुछ नहीं है। और ये खिलवत की वाणी पहले ये शर्त रखती है, यदि आपको परम धाम में प्रवेश करना है, अंतर्दृश्य परम धाम का सुख लेना है, तो हमको अहंकार की परिधि को लांघना पड़ेगा। आपने जो शरीर की मैं ले रखी है, जैसे सुंदर साथ में भी कहीं ना कहीं इस संसार की देखा देखी भावनाएं आती हैं, जातिवाद की भावना आती है, प्रांतवाद की भावना आती है, जिलावाद की भावना आती है। भले ही हम सुंदर साथ हैं, लेकिन कहेंगे तो छोटी जाति से बड़ी जाति वाले सुंदर साथ को कुछ ना कुछ तो दुराव होता ही है। एक अमीर और गरीब के बीच में खाई होती है, एक बहुत बड़े पद पर है और एक चपरासी है, दोनों के बीच में खाई होती है। कोई भी किसी को परम धाम की दृष्टि देखना नहीं चाहता। हम पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं कि आत्म सौनी एक दिशे जुजुई तदिशे दे, लेकिन क्या हमारे व्यवहार में चरितार्थ होता है? नहीं, क्योंकि हमारी आँखें माया की आँखें हैं, हमारा जीव माया का है, हमारा दिल माया का बना है, हमारा चिंतन मनन सब कुछ माया से चल रहा है। ब्रह्मवाणी का प्रकाश जब हमारे हृदय में आता है, तो उतने समय के लिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमें परम धाम की दृष्टि से दूसरों के साथ व्यवहार करना है, हमें किसी का हृदय नहीं दुखाना है। वाणी क्या कहती है? साफ दिल सुहागनी कभू न दुखावे के। यदि हम सबके अंदर परम धाम की आत्मा की भावना करें, और यह बात याद रखें कि वह सबके हृदय में युगल स्वरूप बसते हैं, तो हम मन से, वाणी से, आचरण से कभी भी किसी का हृदय दुखाना नहीं चाहेंगे। और जब हम इस आत्मभावना में भावित हो जाएं कि सबकी आत्मा के हृदय में मेरा प्राणेश्वर बसता है, मेरी आत्मा के हृदय में मेरा प्राणेश्वर बसता है, मैं शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से, जीव से परे परम धाम की शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, न मैं कभी जन्मी हूँ, न कभी मैं मरूंगी। यदि ये उच्च विचार हमारे हृदय में बदते रहते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि जो कुछ है सब कुछ राज्य है, हमारे अंदर अहंकार की ग्रंथि नहीं आ पाएगी। चाहे हम हजारों जपाइयों को याद कर लें, चाहे कितनी भी सेवा कर लें, कितनी भी बंदगी कर लें, अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो सब पर पानी फेर देता है। इसलिए हमारे अंदर उस अहंकार के ग्रंथि न आने पाए, राज जी ने हमें एक सरल सा रास्ता बताया है कि हम सब कुछ सौंप दे राज जी को, कहलाने वाले आप, कराने वाले आप। जो कुछ किया है आपने किया है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नए नजर जी, आप दीदार कराओगे तो कर लोगे, जो साहेब संकुल होए तो दुख होवे तिन। जो राज्य की कृपा होती है तो इस संसार में दुख मिलता है। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है? श्री महामत कहे इन दुख को मोल न की हो जाए, लाख वेद सिर दीजिए तो भी सरभर ना आवेता है। यदि हमें दुख मिलता है और उस दुख से विवेक पैदा हो जाए कि नहीं, ये माया का झूठा संसार है, हम दुख को देखने के लिए आए हैं, दुख में लिप्त होने के लिए नहीं। कितना भी संकट हो, या याद रखिए अभी दोपहर का समय है, तब सूर्य अपने प्रचंड ताप से चमक रहा है, थोड़ी देर के बाद अस्ताचल को चला जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। उस अंधेरे में हम व्याकुल हो जाएं कि अंधेरा कब जाएगा, तो प्रकृति का तो अपना नियम है, अपने समय पर ही सूर्यास्त होगा, अपने समय पर ही सूर्योदय होगा। जो विवेकवान होते हैं वो धैर्य बनाए रखते हैं, और सामान्य प्राणी व्यथित होने लगता है।
सुख और दुख का चक्र चलता रहता है, इस पर कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। परम धाम की आत्माएं सुख दुख से परे हैं, इसलिए मामती जी ने क्या कहा है, मैं इन सुख दुख से ना टरूं, मेरे धनी चाहिए सम्मुख। जैसे लालदास जी के जीवन में आता है, मिराज को हफ्से में जाना पड़ता है, बिहारी जी के अत्याचार भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक लक्ष्य है कि मुझे परम धाम की आत्माओं को मूल मिलावे तक ले चलना है। मेहती अद्दा कर दे घर इमाम बताई रहा, पहुंचे अर्श मेराज में हंस मिलिया रूहे खुदा। ये सबका लक्ष्य होना चाहिए कि इस जागनी ब्रह्मांड में हम हंसते हुए अपने प्राणेश्वर से मिलन करें। इसलिए हमने इस संसार में अब तक जो कुछ उपलब्धियां की हैं, सभी उपलब्धियों का श्रेय हम स्वयं को न दें, यह समझें कि राज जी ने हमारे शरीर को एक माध्यम बनाया है, हम उस कठपुतली की तरह हैं जो पर्दे के पीछे बैठते हुए बाजीगर के इशारे पर नृत्य करती है। यदि कठपुतली ये सोचे कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ तो उसका भ्रम होता है। और इस जागने के ब्रह्मांड में जिस सुंदर साथ ने सारी शोभा राज्य को सौंप दी, वह इत भी धंधन होगा और उत भी धंधन होगा। क्योंकि यदि हमारे हृदय से अहंकार की ग्रंथि मिट जाती है तो हमारा हृदय निर्मलता की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। यही सबसे बड़ा विकार है। बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े महात्मा, बड़े से बड़े संत में भी यदि ये बात आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे से सब कुछ हो रहा है, तो यह विकार उसके और धनी के बीच में पर्दा कर देता है। इसलिए खिलवत की ये जो चौपाई आपने सुनी, जिसको मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, हके किया हके करत है और हक ही करेंगे, यदि इस एक पंक्ति को हम जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। हम हर पल अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर की अनुभूति करेंगे, क्योंकि प्रेम में अहंकार सबसे अधिक बाधक होता है। घरों में पति पत्नी के बीच में लड़ाई चलती है तो उस लड़ाई में मुख्य कारण किसका होता है, अहंकार का होता है। यदि दोनों अपने अहंकार का विसर्जन कर दें तो प्रेम की शीतल सरिता उस परिवार में रहेगी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। झगड़े के मूल में क्या है, अहंकार। सृष्टि चल रही अहंकार से हमारे और धनी के बीच में जो पर्दा है, ये मैं खुद ही का ही पर्दा है। यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहे या खुदा। और इसलिए खिलवत की वाणी के एक एक शब्द, खिलवत की वाणी के ही नहीं, पूरी तारतम वाणी का एक एक शब्द हमारी आत्मा को प्रेरित करने वाला है, हमें इस मायावी जगत में धनी से मिलन कराने वाला है। यह वाणी क्या है, अक्षरातीत का जानमय स्वरूप है। और इस जानमय स्वरूप को हम जितना आत्मसात करेंगे, वाणी का चिंतन करेंगे, युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसाएंगे, तो वैसे वैसे माया हमसे दूर होती जाएगी। ज्यों ज्यों अर्थ हुए जो नजीक, त्यों तो खेल हुए दूर। और यह वाणी आई है माया के अंधकार को दूर करके अक्षरातीत से मिलन कराने के लिए। मिलन कहीं दूर नहीं है, जो सहरक से नजदीक है उसको पाने के लिए मंदिर मंदिर भटकने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद करके अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को खोजना है। जो प्राण की नली से भी निकट है उसको पाने के लिए पैरों से दौड़ने धुपने की अपेक्षा अपने मन से संसार को निकाल देना होगा और इस मन में केवल प्राणेश्वर का प्रेम भरना होगा। इसलिए वाणी पुकार पुकार के कहती है, खाली मन मन ही में ब्रह्म। और यदि हम इस मंजिल तक पहुँच गए तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।